नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कैलाश। आदरणीय डिजाइन एंड स्टूडियो पे आपका फिर से स्वागत। बहुत दिनों के बाद आया हूँ एक नया वीडियो लेके। बहुत दिन मैंने वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि काम का साइड पे भी उतना नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैंने नया वीडियो नहीं डाल पाया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग का जो यहाँ पे आज ये गुवाहाटी का गणेशपुरी पे काम चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि लोग का एक कुछ दिखाओ और कहाँ क्या है, कैसा काम चल रहा है, क्या है, थोड़ा सा आइडिया आप लोग का जाएगा। तो मैं ये जो घर है ये बहुत पुराना घर था, ये एक्चुअली एक बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग का काम चल रहा है, तो ये इंडिविजुअल बिल्डिंग है, कोई कमर्शियल स्पेस नहीं। तो यहाँ पे पहले कुछ पुराने टाइप का कुछ लगा हुआ था रूम पे, रूम बहुत पुराना हो गया था, तो इसीलिए उस पूरा घर को, पूरा रूम को, पूरा फर्स्ट फ्लोर को आप लोगों ने डिज़ाइन किया है। तो मैं एक कमरा का अभी दिखाता हूँ जहाँ पे काम चल रहा है अभी भी। तो इस रूम पे पूरा काम चल रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और लगभग 20-25 दिन लग जाएगा इस रूम को क्लियर करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये रूम देखने के बाद और दूसरा रूम भी मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो चलिए इस रूम को मैं आप लोग को अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, आइए। ये हो गया रूम का एंट्री है। यहाँ पे पाइलिंग किया हुआ है जो पोस्ट है। पहले ये खाली आपका वो चौकट लगा हुआ था, चौकट को हम लोगों ने पाइलिंग कर दिया। ये यहाँ पे विनियर लगा हुआ है, इसमें ये जो विनियर है ये विनियर पॉलिश होगा। पॉलिश होने के बाद इसका ओरिजिन लुक जो है ये वो दिखाई देगा। ये हम लोग अंदर जाने से पहले हम लोग का लेफ्ट साइड पर आ जाता है ये जो अलमीरा जो है, ये अलमीरा को ऐसे डिजाइन किया गया है। ये जो दरवाज़ा हम लोग एंट्री किया था अभी उसी दरवाजे से, तो ये ऊपर से ये एल शेप का, मतलब उल्टा एल शेप का ये ऊपर वार्डरोब दिया हुआ है, नीचे भी ये अलमीरा लगा हुआ है। ये देखिए, ये एवरीथिंग इज जो माइका लगा हुआ है ये सब सनमाइका है ऊपर में, तो ये मनीलेम का है, 1 mm का माइका लगा हुआ है। और आपका जो जितना भी प्लाई लगा हुआ है सब ग्रीन का लगा हुआ है, मतलब नंबर 1 क्वालिटी का लगा हुआ है ग्रीन का सब। तो इस रूम पे फॉल सीलिंग होगा नहीं, लेकिन हम लोग डिसाइड किया है अभी इसमें फॉल सीलिंग होगा, तो फॉल सीलिंग का काम भी करवाता है, नहीं तो फॉल सीलिंग नहीं होने से इसका लुक उतना अच्छा नहीं आएगा, तो इस पर फॉल सीलिंग भी करवा देता हूँ। वो है बाथरूम का एंट्रेंस, इस गेट से बाथरूम का एंट्रेंस। काम चल रहा है तो रूम को उतना साफ सफाई नहीं है। ये हो गया आपका किंग साइज बेड, ये 7x7 का है, ये 7x7 साइज का है। नीचे माइका लगा हुआ है, इस साइज का है। ये अंदर से गैप रहेगा क्योंकि झाड़ू वाड़ू मारने के लिए आप लोग का सुविधा होगा, तो इसीलिए हम लोग अंदर से पूरा गैप करवा दिया। तो साइड पे ये बॉर्डर आ गया है, 4 इंची का बॉर्डर है, चारों तरफ घूम गया है। ऊपर विनियल लगा हुआ है, ये माइका नहीं है दोस्तों, ये विनियल लगा हुआ है। इसको पॉलिश करना होगा ठीक से, उसके बाद ही इसका ओरिजिनल लुक आ जाएगा। तो ये जो पीछे जो है वॉल पाइलिंग का किया हुआ है, वॉल पाइलिंग पे ये सर्कुल लगा हुआ था, सर्कुल ये नया डिजाइन आया है सर्कुल का। तो यहाँ पे एक तो बोर्ड होगा, वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट होगा यहाँ पे, और नीचे भी एक तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट होगा, तो नीचे वो मोबाइल वोबाइल चार्ज करने के लिए, और ऊपर जितना लाइट का कनेक्शन जितना होगा ऊपर ही लगा होगा एक बोर्ड पे। तो ये हो गया गोल्डन पट्टी, ये जो बीच बीच में दिया हुआ है ये गोल्डन पट्टी लगा हुआ है, ये गोल्डन पट्टी एल्युमिनियम का आता है। तो ये माइका लगा हुआ है, ये टेक्सचर्ड माइका लगा हुआ है, ये माइका अलग अलग कलर का लगा हुआ है। यहाँ पर भी चारकोल लगा हुआ है। यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल होगा और एक अलग से होगा, ये यहाँ पे बिठा जाएगा, एक ड्रेसिंग टेबल होगा। ये जो खिड़की है इसका साइड पाइलिंग कर दिया जाएगा जैसे हम लोग दरवाजा पे किया हुआ है, तो इसको जब साइड पाइलिंग हो जाएगा तब अच्छा लगेगा दिखने के लिए। और इलेक्ट्रिकल जो काम है उसको हम लोग जितना वो वॉल पे जितना आता है तो वो सब कंसील कर दिया था, लेकिन ऊपर में जितना वायरिंग का लाइन है वो सब हम लोग केशिंग मार के रखा हुआ था, लेकिन अभी तो जो डिसाइड हो गया है कि यहाँ पे फॉल सीलिंग होगा तो सब ये सब दिखाई नहीं देगा, सब अंदर से हो जाएगा। ये हो गया खिड़की, ये खिड़की जैसे हम लोग पाइलिंग की कर दिया हुआ है वो, ये खिड़की भी पहले इस खिड़की, ये जो खिड़की है ऐसा ही था, लेकिन हम लोग इसको पाइलिंग करके एक अलग सा लुक दे दिया। तो
ऐसा ही होगा वो खिड़की भी। तो ये हो गया आपका टीवी यूनिट। टीवी यूनिट में दूर से दिखाता हूँ, ये हो गया टीवी यूनिट। टीवी यूनिट का साइड पे ये सर्कल मारा हुआ है और नीचे 3 फुट ड्रॉयर है, यहाँ पे सेटअप बॉक्स रखने के लिए जगह दे दिया और यहाँ पे टीवी लग जाएगा। ये जो वायर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे एक तो सॉकेट रहेगा, क्योंकि टीवी का जो प्लग रहेगा ना वो पीछे से रहेगा, बाहर से उसको दिखाई नहीं देगा, मतलब अंदर अंदर से रहेगा वो। तो नीचे एक तो बोर्ड लगेगा, वो बोर्ड ऐसे ही फोल्डिंग करके रखा हुआ है, बाकी जब सेटअप हो जाएगा तब उसको हम लोग टाइट कर देंगे। तो टीवी यूनिट का लुक ऐसा है। काम ख़त्म होने के बाद अच्छा लगेगा इसको देखने के लिए। यहाँ पे खिड़की है, ये खिड़की डबल विंडो का था, मतलब डबल पल्ला का था। एक पल्ला हम लोग बंद कर दिया, क्योंकि अगर एक पल्ला उस तरफ था वो पल्ला अगर रहेगा तो ये अलमीरा हम नहीं बना सकता, तो इसीलिए उसको बंद कर दिया। बंद करके एक पल्ला के बना दिया हम लोग। ड्रॉयर खोल के दिखाता हूँ, ये ड्रॉयर ये साइज का है। यहाँ पे टेलीस्कोपिक चैनल लगा हुआ है और जिंक का लगा हुआ है, टेलीस्कोपिक चैनल जिंक का लगा हुआ है। यहाँ पे भी गोल्डन पट्टी दे दिया, क्योंकि इसका लुक थोड़ा अल्टर लगे, इसका लुक ज़्यादा आ जाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे गोल्डन पट्टी सेट कर दिया, ऐसे सीधा चला गया ऐसे। ये एक ट्रे है, ऊपर कुछ सामान वामान रखने के लिए ट्रे है, नीचे लाइट आ जाएगा इस पर, स्पॉटलाइट, ऐसे स्पॉटलाइट आ जाएगा, 3-4 तो स्पॉटलाइट आ जाएगा, तब देखने पे उसको ऊपर से फोकस दे देगा तो देखने पे अच्छा लगेगा। तो यही था दोस्तों, हम लोग एक रूम का काम लगभग होने ही वाला है और 2-4 रोज का काम बाकी है। ये सब ये अलमीरा है, ये अलमीरा का अंदर है, काफ़ी थोड़ा गंदा हो रहा है अभी, क्योंकि काम चल रहा है। तो फिर ये ड्रॉयर है, यहाँ पे भी टेलीस्कोपिक चैनल जिंक का लगा हुआ है, सब हाइड्रोलिक कब्जा लगा हुआ है सभी पे, और ब्रांड अच्छा ब्रांड का है, वो हेटिस का है सब। क्योंकि आप लोग काम का हिसाब से देखेंगे तो हेटिस तो अच्छा ही ब्रांड है आजकल का हिसाब से। ये ऊपर का है गैप ऐसे, यहाँ पे हैंडल लगाना बाकी है, कुछ काम बाकी है और इतना एडजस्ट नहीं हो पाया है, पल्ला उल्ला और ये सब एडजस्ट करना है। तो ये सब एडजस्ट करने के बाद ही इसका ओरिजिन लुक जो है वो दिखाई देगा। यह अंदर से एक पार्टीशन दिया हुआ है, छोटा बड़ा सामान मिला के रख सके। और दरवाज़ा जो है, दरवाज़ा का पीछे भी हम लोग एल्युमिनियम का पट्टी लगा दिया है, ये अलग कलर का है, ये एल्युमिनियम का जो नेचुरल कलर है वही कलर है। तो ये दरवाज़ा है, माइका लगा हुआ है इसका, इसका भी दो तरीके से माइका लगा हुआ है। ये हो गया आपका, एक वाइड एंगल में लगा हुआ है, एक ब्रेट एंगल में लगा हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे एक पोस्ट था, हम लोग पोस्ट पाइलिंग करवा दिया। तो यही था दोस्तों इस रूम का। अभी यहाँ पे तो गड्ढा आ रही आ जाएगा, ऊपर इस पे ट्रेक्चर आ जाएगा, डिजाइन आएगा, तो बाकी आप लोग को दिखाता हूँ मैं काम होने की बात। ये सब स्टोर करके रखा हुआ है सामान वामान, कोई माइंड पे मत लीजिएगा ये सब, तो दिखाता हूँ बाद पे, जब इसका काम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए हम लोग के साथ, जुड़े रहिए आदरणीय डिजाइन स्टूडियो पे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो डिजाइन है कोई दूसरों का भी काम आ सके, और कुछ ऐसा ही कुछ काम करवाने के लिए हम लोग उसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया रहेगा, कुछ परेशानी होने से आप लोग मुझे कॉल करके बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस, एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट कॉन्टैक्ट मी। Thank you. See you again.